हेलो एवरीवन। तो आज हम जा रहे हैं चीबा। चीबा में एक स्पेशल जगह पर जा रहे हैं। जहां पर जा रहे हैं मैं भी आपको दिखाती हूँ। मिल्क मेड की तरह होता है जिसके साथ आप खा सकते हैं स्ट्रॉबेरी को। और ये एक पूरे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि एक घंटे के लिए ही आप इसके अंदर रह सकते हैं और एक घंटे में ही आप तोड़कर जितनी स्ट्रॉबेरी खाना चाहते हैं खा सकते हैं। इस तरीके से इसमें से ये जो है मिल्क मेड को आप लगाकर खा सकते हैं। अगर थोड़ी बहुत खट्टी स्ट्रॉबेरी है तो आप उसको इस तरीके से स्वीट बनाकर खा सकते हैं। बट मुझे नहीं लगता कि जब आप फ्रेश स्ट्रॉबेरी तोड़कर खाते हो तो आपको इस तरीके की किसी भी स्वीट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये पूरी एक फील्ड है जिस फील्ड के अंदर बैठने की भी जगह है और बैठकर लोग जो हैं आराम से स्ट्रॉबेरी को खाते। एक घंटे तक पूरा घूमे और स्ट्रॉबेरी को तोड़कर फिर बैठकर हमने खाया। देखिए स्ट्रॉबेरी, देखिए आप कितनी बड़ी स्ट्रॉबेरी है और एकदम रेड। और जितनी मर्जी खाइए, यहाँ पर आपको कोई लिमिट नहीं है। पर आपके पास लिमिट है तो एक घंटे का टाइम है, वो एक लिमिट है। अदरवाइज़ आप जितनी मर्जी खाइए। सब लोग तोड़ रहे थे। तो ये अलग अलग जगहों पर है जहाँ पर जाकर के आप प्लकिंग कर सकते हैं और मतलब कि स्ट्रॉबेरी को तोड़कर खा सकते हैं। ये मतलब जिस टाइम जिस वक्त पे ये होती है उसी टाइम पर आपको मतलब कि नेट पे भी ऐड आने शुरू हो जाते हैं कि जो भी कोई अगर प्लकिंग करके स्ट्रॉबेरी को खाना चाहता है तो उसकी टिकट इतने की है, आप आइए घूमिए। और हाँ, ये टोक्यो से बिल्कुल बाहर जगहें बनी हुई हैं, जैसे कि चीबा, जो कि टोक्यो से 2 आवर 20 मिनट्स लगे हमें वहाँ पर जाने के लिए। तो जो भी ये जगहें हैं, ये जगहें टोक्यो से बिल्कुल बाहर होती हैं क्योंकि खुली एक फील्ड होती है जिसके अंदर ये स्ट्रॉबेरी या और भी कोई फ्रूट्स मतलब कि उगाते हैं, तो वो मतलब बिल्कुल टोक्यो से बाहर निकल के ये सब चीज़ें होती हैं। तो प्लीज़ अगर आप जापान में टोक्यो में हैं तो ज़रूर जाइएगा और इस वेदर में। और आप नेट पे चेक करते रहिएगा कि किस टाइम पर किस फ्रूट की मतलब कि प्लकिंग है। लाइक अगर देखो सेब का टाइम है तो सेब के टाइम पर भी आप सेब को तोड़कर
मतलब खा सकते हैं, उसमें भी एक लिमिट होती है कि आप अंदर जितने सेब खा सकते हैं, आप तोड़कर उसको बाहर नहीं ला सकते हैं। अगर आपको ख़रीदना है तो बाहर ही वहाँ पर एक छोटी सी काउंटर बना होता है, उस काउंटर से आप उसको ख़रीद सकते हैं। और मेरे बच्चों ने भी बहुत खाई स्ट्रॉबेरी। मतलब हम जब लेते हैं ना तो उस हिसाब से नहीं खा पाते क्योंकि हम इतना नहीं ले पाते। वैसे भी स्ट्रॉबेरी हमेशा एक्सपेंसिव ही होती है, तो जैसे अब आप जाकर वहाँ पर बैठ के खा रहे हैं तो आप जी भर के खाइए। इनको सही रखने के लिए किस तरीके से पूरा इनको कवर्ड किया गया है, फैन लगा रखा है कि जिससे अंदर का टेम्परेचर उस स्ट्रॉबेरी के हिसाब से हो, पानी का, सब चीज़ों का बहुत अच्छा अरेंजमेंट यहाँ पर है। मतलब उस चीज़ को ये अच्छे से रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं कि अंदर जो भी टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर में स्ट्रॉबेरी जो है उगाई जाती है तो वो सेम रहे। तो हम एक घंटा यहाँ पर पूरा घूमें, बैठ के स्ट्रॉबेरी खाए, फुल एंजॉय किया। और उसके बाद हम कहीं और भी गए थे, बट बहुत देर हो चुकी थी तो मैं वहाँ का वीडियो नहीं बना पाई। बट हमें यहीं पर इतना एंजॉय किया है, बहुत मज़ा आ रहा था। तो इकट्ठे हम एक अपनी फ्रेंड्स के साथ गए थे, तो नेचुरली फ्रेंड्स के साथ जाओ तो पता ही है कि जो एंजॉय होता है वो दुगना हो जाता है क्योंकि आप फुल मस्ती करते हो फ्रेंड्स के साथ, इंजॉय करते हो। और इस तरीके से अपना ये लेकर बैठकर हम खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो रियली में ये कुछ मतलब कुछ ऐसे यादें होती हैं। कुछ हम वीडियो क्यों बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं कल को अगर हम उस जगह पर नहीं हैं या हम अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं हैं तो आप उस वक्त को याद करें, अपने फ्रेंड्स को याद करें और कैसे हमने वहाँ पर इंजॉय किया था, कैसे हम इकट्ठे होकर गए थे। तो वो सब चीज़ें ना बहुत ज़रूरी हैं अगर आप उसको एक वीडियो में कवर करते हैं। तो चलिए आप भी इंजॉय कीजिए और घूमिए कि किस तरीके से हम स्ट्रॉबेरी को तोड़ रहे हैं।
तो चलिए आज बस इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. बाय बाय, टेक केयर. नेक्स्ट वीडियो में कहीं और आपको लेके चलेंगे. और वैसे भी अब सकुरा आ रहा है, चेरी ब्लॉसम आ रहा है, तो उसका मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. बाय बाय, टेक केयर.